गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट पीडीएफ जो अपना डाला था उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में किस प्रकार से हम जर्नल एंट्रीज करेंगे उसके संबंध में डाला था। आज उसी से रिलेटेड जो है आज हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि हम जर्नल एंट्रीज और किस प्रकार से अन्य खाते इसके अंदर हम तैयार करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, एक्स लिमिटेड के 31 मार्च 2019 की हमें बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में जो पार्टिकुलर्स हमें दिए गए हैं वो इस प्रकार से दे रखे हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर फंड दिया गया है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल ये दी गई है। इसमें दो प्रकार के शेयर्स हमारे इशू किए गए हैं, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच फुल्ली पेड अप 1 लाख रुपीज़ के, 20,000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹5 ईच फुल्ली पेड अप ये भी 1 लाख रुपये के हैं। इसके पश्चात रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर अमाउंट दे रखा है 35,000 का, अर्थात ये हमें लॉस दे रखा है 35,000 का। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल सन्डरी क्रेडिटर्स हमें दे दिए गए हैं 15,000 के, टोटल जो है वो इस प्रकार से दिया गया 1,80,000 का। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स में हमें दे रखी है पहले फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स के अंदर हमें दे रखी है टेंजिबल एसेट्स 50,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 25,000 के, इनटेंजिबल एसेट्स जो है वो हमें दिया गया है इसके अंदर गुडविल का 10,000 का। सॉरी स्टूडेंट्स, ये टेंजिबल एसेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास में, प्लांट एंड मशीनरी है, और इनटेंजिबल एसेट्स में हमारे पास में जो है गुडविल दे रखी है, और अदर नॉन करंट एसेट्स में शेयर्स इशू एक्सपेंसेस दे रखे हमें 10,000 के। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री स्टॉक दे रखा हमें 25,000 का, और ट्रेड जो है रिसीवेबल्स में संडे डेटर्स हमें दिए गए 30,000 के। इस प्रकार से देखिएगा स्टूडेंट, ये बैलेंस शीट जो हमें दे रखी है इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल दे रखा हमें, नॉन करंट एसेट्स में जो है हमारे पर शेयर ऑफ इशू एक्सपेंसेस दिए गए हमें, और लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी ये हमें संपत्तियाँ इसके अंतर्गत दी गई हैं। अदर इन्फॉर्मेशन जो हमें दे रखी है वो इस प्रकार से दी गई है, ट्रिब्यूनल द्वारा पूंजी में कमी की निम्नलिखित योजना 1 अप्रैल 2019 को स्वीकृत की जाती है। पांच पहला है, 5 रुपये वाले 10% पूर्वाधिकार अंशों को घटाकर 3 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त 10% पूर्वाधिकार अंशों में बना दिया जाए। सेकेंड, 5 रुपये वाले इक्विटी अंशों को 2.5 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंशों में बदल दिया जाए। ख्याति अंश निर्गमन तथा लाभानि खाते के विवरण के ऋणात्मक शेष को पूर्ण रूप से अपलिखित कर दिया जाए। और फोर्थ, शेष राशि का उपयोग संयंत्र एवं मशीनरी को अपलिखित करने में किया जाए। देखिएगा जो कैपिटल रिडक्शन जो हम कर रहे हैं वो किस प्रकार से करना है, हमें प्रिफरेंस शेयर्स के मूल्य को जो है हमें कम करना है, इक्विटी शेयर्स के मूल्य को भी कम करना है हमें, और इससे जो कैपिटल रिडक्शन के अंदर हमारे पास में आएगा उससे हमें गुडविल को, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें राइट ऑफ करना है, प्लांट एंड मशीनरी को भी साथ में राइट ऑफ करना है। अब हमें बनानी है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के संबंध में देखिएगा किस प्रकार से हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट, हम परफॉर्मा बनाएंगे, जो हमारे जर्नल का जैसा परफॉर्मा बनता है वैसे ही हम इसको परफॉर्मे को बनाएंगे। 1 अप्रैल 2019 को फर्स्ट एंट्री हम बनाएंगे 5 रुपीज़, ओल्ड वैल्यू क्या है शेयर की 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10 रुपीज़ 3 जो है इसका नया मूल्य रख दिया बने, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 1 लाख रुपए जो है हमारा वो इसके अंदर कैपिटल का खाता डेबिट किया जाएगा। अंश का मूल्य हमने 3 रुपये कर दिया, अंशों की संख्या है हमारे 20,000, तो हम क्या करेंगे 3 रुपये से 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 जो है हमारा वो अमाउंट आ जाएगा न्यू शेयर कैपिटल का, और कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा हमारा 40,000। नरेशन करेंगे हम 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹5 इज रिड्यूस टू 3 रुपीज़ पर शेयर एंड बैलेंस ट्रांसफर इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसके बाद स्टूडेंट अब हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल को हम जो पुराना है उसको डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए से 2.50 रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट नया जो है
वो हमने 2.5 रुपये का मूल्य रखा है। 20,000 अंशों की संख्या है 50,000। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 50,000। इक्विटी शेयर ऑफ नरेशन होगा इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 रिडक्शन टू 2.50 पर शेयर एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन के अंदर देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास में दो प्रकार से कैपिटल रिडक्शन आ गया। प्रिफरेंस शेयर से आया 40,000 और इक्विटी शेयर से आया है 50,000। अब हमारे पास टोटल कैपिटल रिडक्शन 90,000 का आ गया है। इस 90,000 के कैपिटल रिडक्शन से हम राइट ऑफ कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिडक्शन करेंगे, गुडविल को करेंगे, शेयर ऑफ इश्यू एक्सपेंसेस को करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी को करेंगे। सबसे पहले देखिएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारे पास में बैलेंस शीट के अंदर देखिएगा 35,000 रुपीज़ है। 35,000 से उस लॉसेज को कर दिया जाएगा। गुडविल अकाउंट जो है बैलेंस शीट के अंदर 25,000 रुपीज़ का दे रखा है, उसको कर दिया जाएगा। शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000 दे रखा, उसको दे दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, इसके बाद में 90,000 हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में आया है और यहाँ हम तीन आइटम्स को जो है राइट ऑफ करते हैं, तो अमाउंट इन तीनों का टोटल जो है हमारे पास आ जाता है 70,000। अभी भी कैपिटल रिडक्शन में हमारे पास में 20,000 बच रहे हैं। जो कैपिटल रिडक्शन में बचा हुआ अमाउंट है उससे हम किसको राइट ऑफ कर देंगे, प्लांट एंड मशीनरी को हम राइट ऑफ करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी के 20,000 रुपीज़ को हम राइट ऑफ कर देंगे। इस तरह से ये हमारे जो है लॉसेस को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। अब हम बैलेंस शीट किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट के अंदर देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड को देखेंगे। शेयर होल्डर फंड के अंदर वही इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल दिखाई जाएगी। अंशों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो 20,000 10% प्रिफरेंस शेयर, जो हमारा प्रिफरेंस शेयर पहले 5 रुपये का था वो 3 रुपये का हो गया, तो 3 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड अप, अमाउंट उसका 60,000 है वो दिखा दिया जाएगा। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2.5 ईच फुल्ली पेड अप, ये जो है हमारा 20,000 शेयर्स है, 2.5 रुपये के हिसाब से हमने ये नया शेयर कर दिया था, 50,000 इसका आ जाएगा। इसके पश्चात जो है हमने लाइबिलिटी साइड के अंदर देखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा था, लॉसेज दे रखे जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया है तो हम उसको नहीं दिखाएंगे, और सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 15,000 के हैं वो एज इट इज़ दिखा दिए जाएंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और सन्ड्री क्रेडिटर्स रह जाएंगे, जिनका सबका टोटल मिलाकर आ जाएगा 1,25,000। एसेट साइड, एसेट साइड के अंदर नॉन करंट एसेट्स में हमारी फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स के अंदर हम दिखा देंगे, इसके अंदर 50,000 जो है हमारी फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स 50,000 है, जिसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर रहे। लैंड एंड बिल्डिंग में 50,000 का है हमारा, कोई परिवर्तन नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी को देखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी जो 40,000 के थे वो अब हमारे रह गए 20,000 के। तो टेंजिबल एसेट्स में जो दो एसेट्स हमें दे रखी थी, लैंड एंड बिल्डिंग जो कि 50,000 की है, कोई परिवर्तन नहीं करा है, प्लांट एंड मशीनरी जो कि 40,000 है उसका हमने 20,000 राइट ऑफ कर दिया, तो बचा हमारे पास में 20,000 बचा है। और इसके पश्चात जो है हमारे पास में इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल दे रखी थी जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। फिर हमें अदर करंट नॉन करंट एसेट्स में शेयर ऑफ इशूड एक्सपेंसेस दे रखे थे, उसको भी हमने राइट ऑफ कर दिया है, तो उसे भी हम नहीं दिखाएंगे। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में देखिएगा हमारा इन्वेंट्रीज है 25,000 का, कोई परिवर्तन नहीं किया है हमने, हम उसको एज इट इज़ दिखाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स में सन्ड्री डेटर्स है 30,000 के, हम उसको इस प्रकार से दिखा देंगे। बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 1,25,000। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हम ये संबंधित खातों को तैयार करेंगे। थैंक यू।